हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कोसोडिल डीएमआर सिरप के बारे में, जो कि एक एंटी हिस्टामिन सिरप है। और इसकी कंपनी पे बात की जाए तो यो इसको मेडिक्योर फार्मा कंपनी बनाती है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 85 रुपये में मिल जाएंगे। और इसकी कंपोनेंट की बात की जाए, जो कौन कौन साल्ट से मिलकर बने हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोरफेन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg एंड क्लोरपेनिरामाइन मेलेट 2 mg एंड पेनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg में ये मिलकर बने हुए हैं। 100 ml की बोतल मिलती है। आप इसको यूज जैसे सूखी खांसी में आप कर सकते हैं, या कफ बन गया हो गया हो सूखा कफ, तो उसमें भी आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं, या छींक आता हो उसमें भी आप इस सिरप यूज कर सकते हैं, या सर्दी ज़्यादा हो गया हो तो उस स्टेज में भी आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं, या आँख से पानी बहता हो तो उस स्टेज में भी आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। ये इसकी हम डोजेज के बारे में हम बता देते हैं, जो आपको ये किस तरह यूज करना है। आप यहाँ एक बार देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डोजेज के बारे में, या आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, या अन्यथा आप किसी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। ये आप सिरप 24 घंटे में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। आइए, इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट है और इनकी साइड इफ़ेक्ट में भी कुछ हम बात करते हैं, जो इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी हो सकता है, जैसे उल्टी हो गया हो, या मितलियाना हो, भूख न लगना हो, या सर में दर्द आता हो, शक्कर चक्री आता हो, ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सस्पिशन हो कोसोडिल डीएमआर सिरप के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।